दोस्तों अभी तो आपको दिख रहा होगा पूरा ओपन हुआ है। ओपन किस लिए हुआ है कि इसका ये होंडा यूनिकॉर्न का गियर है, पूरा सेट है। आप गियर देखिए, इसको गियर को आपको फिटिंग करना है, जैसे वाशर कभी चेंज ना हो जाए, जैसे वाशर आप लगाना भूल गए, कभी गियर आपको बराबर सेटिंग नहीं हो रहा है, तो गियर का काम आप कैसे उसको सेटिंग कर सकते हो, वाशर किधर किधर लगता है, कौन से गियर किधर लगता है, वो आपको एक वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। अब ये देखिए, अभी पूरा ओपन है, अभी खाली ऐसे टेम्पर वाली से रखा हुआ है, देखिए ऐसे ओपन है। तो अभी इसको आपको दिखा रहा हूँ फिटिंग करके कि कैसे फिटिंग किया जाता है। कभी आप ओपन किए, ओपन करने टाइम में गियर का वाशर या किधर भी पिज्जी बाहर हो गया, तो आप बहुत ईजी से हमारे वीडियो थ्रू से आप काम कर सकते हो। आपको पहले एक गियर बता रहा हूँ कौन से, चैन स्पोकिट वाला गियर, जिसमें चैन स्पोकिट बैठता है, ये चैन स्पोकिट इसमें बैठता है, और जो कीक मारते इधर गियर लगा रहता है, ये वाला काम करता है चैन स्पोकिट और कीक का। जो इधर भी गियर बैठता है आपको बाद में बताऊँगा, पहले आपको ये वाला गियर वाला बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो गियर का जो पोजिशन है, ये देखिए इसका जो पोजिशन आपको इससे फिटिंग करना है। देखिए अभी इसको ये बराबर जब तक खाँचे में आएगा, इसमें मैच नहीं होगा तब तक बैठेगा नहीं है, इसको खाँचे में बराबर परफेक्ट करता हूँ मैं। ये देखिए ये खाँचे में बराबर परफेक्ट बैठ गया हुआ है। आप सोचेंगे इसके ऊपर एक वाशर आता है, वाशर कौन से आता है आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देखिए पतला सर का एक वाशर आता है, कभी आप खोले भूल गए याद नहीं हुआ तो आपको ये वाशर लगाना चाहिए। ये देखिए एक वाशर यहाँ लगा दिया मैंने, यहाँ फिटिंग एक वाशर कर दिया। अब इसके ऊपर एक बूच आता है जैसे छोटा से, ये देखिए, तो इसको यहाँ बैठाना चाहिए। अब इसको ये देखो यहाँ बैठ गया हुआ है। अब इसके ऊपर एक गियर आता है, अब गियर कौन सा आता है आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए गियर है, गियर का जो पोजीशन है आपको देखिए, ये प्लेन है, एक तरफ पूरा प्लेन है, एक तरफ थोड़ा खाँचा वाला, जो खाँचा वाला है जो डीप वाला बना हुआ है, देखिए ये इसका पोजीशन ऐसे रखना चाहिए। देखिए ये ऐसे ये फिटिंग कर दिया हूँ मैं, इसमें लगा चुका हूँ। अब ये देखिए यहाँ बराबर ये काम करता है। तो इसके बाद में एक और वाशर आता है यहाँ, इधर एक वाशर लगाना पड़ता है। अभी आपको ये लगा के आपको दिखा रहा हूँ, फिर बाद में फिटिंग करके बताऊँगा जो चेसिंग के अंदर। ये देखिए ये पोजीशन, ये फिटिंग हो गया यहाँ का, पहले गियर ये वाला गियर, फिर उसके ऊपर वाशर, फिर एक बूच, फिर ये गियर लगाना चाहिए, फिर उसके ऊपर एक वाशर। इसमें टोटल दो वाशर यहाँ लगता है, अगर आप यही भी निकाल दिए तो इसके अंदर भी वाशर लगा हुआ है। देखिए यहाँ भी वाशर लगा, पीछे बाजू आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पीछे बाजू इसमें वाशर नहीं है, खाली आगे बाजू वाशर है। अभी इसको निकाल चुका था मैं वापस, इसको अभी देखिए वापस एक बार रिपीट कर, किसी को समझ में आता है किसी को नहीं आता है, तो इसको आपको वापस दिखा दे रहा हूँ मैं, एक बार वापस दिखा दे रहा हूँ आपको। अभी इसको देखिए ये बैठ गया, एक वाशर, एक बूच, फिर एक गियर, फिर एक वाशर। अभी ये पोजीशन यहाँ का होगा, अभी पोजीशन यहाँ का चाहिए आपको, यहाँ का बता रहा हूँ मैं। यहाँ देखिए लगा हुआ एक वाशर, वाशर ऊपर एक लॉक, ये फिटिंग है। अब इसके ऊपर एक और आता है, ये देखिए गियर, इस तरफ भी गियर देखिए कितना है, छः, और इस तरफ भी छः है। आप ऐसे भी लगाओगे कभी कभी आपको बोलेंगे फिटिंग हो जाता है, देखिए फिटिंग होगा, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आप गलती भी मत करना ऐसे, इसको आपको ये देखिए ऐसे फिटिंग करना है, ये वाला हल्का वाला खाँचा आपको इस तरफ करना है, थोड़ा इसको मैं टाइट जाता है, ये देखिए अभी बैठ गया है। अब इसके ऊपर एक आपको और दिखाने जा रहा हूँ मैं, एक वाशर आता है, एक वाशर आपको यहाँ देना है, यहाँ रखना है, वहाँ से यहाँ रख दिया हूँ। अब इसके ऊपर एक बूच आता है, देखिए यहाँ लग गया हुआ है। अब इसके ऊपर और क्या आता है, एक गियर आता है, गियर को आपको ध्यान देना चाहिए, गियर को आपको ऐसे नहीं बैठाना है, देखिए आपको जो इसका जो गेप होता है, देखिए एक तरफ गेप है, एक तरफ पूरा प्लेन है, ये जो प्लेन है, प्लेन के जो होता है पोजीशन ऊपर रहना चाहिए। ये देखिए ये बैठ गया, फिर इसके ऊपर एक और वाशर आएगा,
ये देखिए अभी एक गियर पूरा मैंने सच में फिटिंग कर दिया हूँ। अब दूसरे बारे दूसरे के बताने जा रहा हूँ कि फिटिंग हो गया होगा। अब इसमें अब ये गियर है, अब ये गियर देखिए, यहाँ एक वो कट वाशर है, एक कट लॉक है इसको बोला जाता है। अब इसमें एक वाशर आता है, देखिए वाशर आने के बाद फिर आपको एक छोटा सा और बुच आता है, ये खाँचा वाला बुच रहता है। जब तक ये खाँचे मैच नहीं होंगे तब तक बैठेगा नहीं। अब ये बैठ गया हुआ है। अब एक गियर आता है, एक गियर देखिए, ये गियर का देखो खाँचा खाँचा बना हुआ है। देख खाँचा वाला पोजीशन आपको यहाँ रखना है, ये हो गया। अब इसके ऊपर एक गियर और आता है, ये देखिए, ये जो पोजीशन है गियर का आपको, अभी आप जब खोले रहेंगे मार्किंग लगा हुआ रहेगा, ये देखिए। अभी ये पोजीशन देखिए, हाँ देखो हल्का हल्का से मार्किंग लगा हुआ है, मार्किंग जब चला हुआ है। अभी आप नया डालोगे तो नया तो कोई भी पोजीशन में लगा सकते हो, अगर आप जूना है तो पोजीशन वही लगाओगे तो अच्छा है, नहीं तो बाद में क्या थोड़ा कभी कभी गियर में साउंड आता है। तो इसको जो पोजीशन जहाँ घिसा हुआ है, घिसा हुआ वाला पार्ट यहाँ रहना चाहिए। अभी एक वाशर यहाँ आता है, देखिए वाशर, ये देखिए। अब ये सब यहाँ मैंने आपको ये बाहर बता दिया हूँ कि फिटिंग कैसे होता, अब चलता कैसे, ये देखिए, ये देखिए, ये जो गियर का पोजीशन है ये देखिए बराबर परफेक्ट देख लीजिए। ये जो पोजीशन आपको दिख रहा होगा, ये क्लच साइड में आता है, जो क्लच लगता है, क्लच इसको चलाता है, तब बाद में इसको इसमें चलता है, गियर काम करता है। तो ये जो पोजीशन देख लिए, ये पोजीशन इधर बाहर रहता है, ये पोजीशन जो है आपको जो चैन घुमाता है वो चैन के ऊपर छोटा सा गियर आता है, यहाँ आगे लगता है, ये पोजीशन देखो यहाँ। अब इसको मैं चेसी जो इंजन के अंदर होता है वो फिटिंग करने जा रहा हूँ। अभी देखिए सब वाशर वाशर सब यहाँ लगा हुआ है, कभी फिटिंग करने टाइम में कभी कभी गिर जाता है। अब इसको मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, अब इसको इंजन में आपको लगा के दिखा रहा हूँ मैं। अब ये देखिए गियर का जो पोजीशन है, अब इसको मैं फिटिंग करने जा रहा हूँ। इस पर जो होता है कवर, जो कवर कौन से आपको दिख रहा होगा, अब ये देखिए गियर इधर जाता है और ये वाला गियर इधर जाता है। अभी इसमें सब वाशर देखिए, यहाँ वाशर लगा हुआ है। तो अभी इसको पोजीशन आपको दिखा दे रहा हूँ, ये थोड़ा पकड़ना पड़ता है हाथ से, नहीं तो आप सोचोगे बहुत ईजी से बैठता है, ईजी से नहीं बैठता है, थोड़ा से इसको जैसे हाथ ऊपर नीचे करना पड़ता है, बैठा हुआ देखिए, थोड़ा इसको दोनों हल्का हल्का से, ये देखिए मैं नीचे उंगली रखा हूँ, अब ये देखिए जो गियर होता है पूरा बारे में बराबर बैठा दिया हूँ। अभी देखिए यहाँ दिखने जाएंगे, देखिए अभी ये सब बराबर बैठ गया है, ये देखिए। अब इसके ऊपर जो आपको बताया था वो वाला गियर, छोटा वाला गियर, अभी ये देखिए ये खाँचे में बराबर जब तक बैठेंगे तब तक बैठेंगे, देखिए बराबर सब मैचिंग है। अब इसके ऊपर एक वाशर आता है, जो वाशर मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, वाशर लग चुका हुआ है। अब इसको अंदर दो नाल बोला जाता है, तो कैसे लगता है आपको बताता हूँ, जो गियर चेंज करता है तो उसका तरीका बता रहा हूँ लगाने फिटिंग करने का। अब ये देखिए मैं इसको फिटिंग कर दे रहा हूँ, ये देखिए पोजिशन इधर लगा, ये फिटिंग हो चुका हुआ है। इससे गियर चेंजर होता है, गियर चेंज होता है, और आपको दोनों ये बता रहे थे, ये देखिए ये हो गया दो और एक हो गया है तीन और ये दो डिस्टन जैसे तीन। तो इसको फिटिंग कैसे करोगे ये बताने जा रहा हूँ। ये तो छोटा है, छोटा कैसे होता है, ये साइड में आता है, जो क्लच वाला रहता है उसमें बैठता है, ये देखिए पिन इसमें मैं एक बैठा दे रहा हूँ अभी आपके सामने, ये बराबर एक बराबर का, अगर आप कभी भी उल्टा सीधा कर लगा दिए गियर घुमा के देखेंगे तो बराबर काम नहीं करेगा, समझ जाना चाहिए बराबर बैठा नहीं है। ज़बरदस्ती इसको पकड़ से किसी चीज़ से करना मत, अगर बैठा नहीं है तो, अगर परफेक्ट बराबर बैठा हुआ है तो आप इसे घुमाओगे इजी से बराबर अच्छे से घूमेगा। अभी इसमें देखो दो है, अभी दोनों आप सोचोगे लगेगा कैसे, ये दोनों अगर देखने जाएंगे सेम है, देख लीजिए कुछ फ़र्क नहीं है, ये देखिए। आप इसको
ऐसे उल्टा सीधा इसको फिटिंग नहीं कर सकते, जैसे नीचे का आप अभी खोल दिए, आपको मालूम नहीं है नीचे का, ये आप सोचोगे नीचे का अलग है ऊपर का अलग है, आप देखिए तो दोनों सेम है, कुछ फर्क नहीं है। देखिए ये देखिए दोनों खांचा देखिए दोनों सेम है। देखिए तो आप इसको लगाने तरीका बताने जा रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा से हल्का से बेंड है, तो बेंड वाला जो भाग है वो इसमें इस तरफ रहना चाहिए। इसको थोड़ा हल्का से ऊपर ले लिए, ऊपर लेने के बाद यहाँ देखिए यहाँ फिटिंग होगा। अब दूसरा वाला ये देखिए हल्का से बेंड है, हल्का से जो टेढ़ा बोलते हैं बेंड बोलते हैं, तो इधर ये मैं यहाँ लगा दिया हूँ। ये देखिए अभी इसको इसके अंदर एक पिन लगेगा। ये देखिए छोटा से इसमें बड़ा वाला जो पिन होता है जो डबल लगता है उसमें रहता है। देखिए अभी इसमें तो ये नहीं लग रहा है। देखिए अभी ये देखिए गियर को मैंने फिटिंग कर दिया हूँ पूरा अच्छे से, यहाँ से सब देखो लग चुका हुआ है। अब ये गियर काम कर रहा है नहीं कर रहा है आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैं घुमा रहा हूँ अभी न्यूटन में है। अब ये देखिए अभी ये गियर में हो गया। देखिए अभी कौन से गियर, अभी ये देखिए मैं आपको बाहर बता दे रहा हूँ। अभी ये देखिए मैं इसको पकड़ रहा हूँ, ये हाथ से आपको दिख रहा होगा, और जो मैंने इधर जो होता है क्लच का वो पकड़ घुमा रहा हूँ। ये देखिए बराबर घूम रहा है। अभी देखिए कोई भी कुछ भी साउंड नहीं आ रहा, ना कटकूट ना कुछ। देखिए ऐसे इसके मतलब बराबर बैठा हुआ है। अब इसको हम फर्स्ट गियर में डालते, ये फर्स्ट गियर में हो गया। अभी ये देखिए सब, अभी ये आपको बताया था फर्स्ट, वापस बता दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देखिए अभी न्यूटन है, अभी मैं थोड़ा सा पिन इसको दबा के रखता हूँ। काम कैसे अंदर करता है, बराबर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इंजन फिटिंग करने से पहले आपको चेक करना है। अभी इसको फर्स्ट गियर में डाल रहा हूँ, आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये हो गया फर्स्ट गियर, यहाँ दाता देखिए, ये बराबर गियर, ये देखिए बराबर गियर, देखिए बराबर चल रहा है। देखिए सब पे, ये देखिए अंदर भी बराबर चल रहा है, अंदर आपको दिखाने अभी दिख नहीं रहा हूँ इधर अंदर, और यहाँ गियर बराबर चल रहा है। ये हो गया फर्स्ट, अभी इसको डाल रहा हूँ सेकंड। ये देखिए हो गया सेकंड, थोड़ा सा बाहर आ गया। देखिए सेकंड गियर में बराबर परफेक्ट गियर चल रहा है। तो देखिए अब थर्ड जिसको बोलते, ये देखिए ये हो गया तीसरा गियर। अब तीसरा गियर में देखिए सब बराबर परफेक्ट गियर चल रहा है। देखिए यहाँ से भी थोड़ा इसको पकड़ा हुआ। देखिए अब डाल रहा हूँ फोर गियर, ये देखिए ये हो गया फोर। फोर गियर में देखिए बराबर परफेक्ट चल रहा है, कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कैसे बराबर ये परफेक्ट बैठा हुआ है, अगर बैठा हुआ नहीं रहता तो ये बराबर चलता नहीं है। देखिए अभी और अलग गियर डाल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए जो होता है अंदर बाहर होता है थोड़ा आ जाता है, बराबर जो गियर होता है बराबर चल रहा है। इसको न्यूटन करके देखते फटाफट। ये देखिए अभी न्यूटन नहीं हुआ, अभी न्यूटन हो गया। देखिए इसका मतलब एक गियर परफेक्ट सेटिंग हो चुका हुआ है। कभी क्या होता है कोई लगाता फटाके फिटिंग कर देता है, वहाँ बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप फिटिंग करने से पहले अब इसको इधर दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ जो गियर का बता रहा था मैं, ये गियर यहाँ का गियर का बता रहा हूँ। ये देखिए एक पहले एक वाशर लगाना चाहिए, फिर उसके ऊपर से एक बूच आता है देखिए, फिर लगाना चाहिए यहाँ, और फिर उसके बाद में आपको एक गियर आता है। अब गियर देखिए आपको गियर कैसे बैठाना है तो दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देखिए गियर ये ऐसे रहता है, आप ऐसे गलती से मत बैठाना, उल्टा ही बैठा के आपको दिखा दे रहा हूँ। उल्टा अगर बैठाने जाओगे ये देखिए गियर बराबर परफेक्ट बैठेगा नहीं, समझ लेना चाहिए कि उल्टा है। ये अभी वाशर निकल गया, वाशर लगा दे रहा हूँ, ये हो गया। अब ये गियर का सब फिटिंग कर दे रहा हूँ मैं। ये देखिए अब इसके ऊपर एक वाशर और आता है, देखिए फिर इसके बाद में एक लॉक आता है। ये देखिए लॉक, लॉक यहाँ फिटिंग होता है। ये देखिए ये लॉक बैठ चुका, अभी परफेक्ट भी हो चुका हुआ है। अभी एक गियर का मैंने, अभी ये देखिए जो गियर होता है गियर मैंने परफेक्ट फिटिंग कर चुका हूँ। खाली ये वीडियो के अंदर खाली मैं आपको गियर का जो सेटिंग होता है गियर कैसे फिटिंग किया जाता है मैंने ये वीडियो के अंदर खाली आपको वो बताया।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ईजी से आपके पास पहुँच जाएगा। अभी इसमें आपको दिख रहा हूँ ये क्या चीज़ करता है, ल्यूटन का ये देखिए दबता है, ये देखिए ये जो ल्यूटन होता है उसका एक करता है, जब आपस में स्विच आता है उसमें स्विचिंग में आगे आगे इधर जाइए आपस में पता आता है तब आपको ल्यूटन लाइट बताता है, ये ल्यूटन लाइट का स्विचिंग का ये निकलता है। ये देखिए आप कभी काम किए, काम करने के बाद कभी कभी एक गिर जाता है किसी को मालूम नहीं पड़ता लग फिटिंग क्या होता है ये भी बता दे रहा हूँ वीडियो के अंदर आपको। देखिए स्प्रिंग का कभी गिर गया फिर अगर आपने ऐसे फिटिंग कर दिया, फिटिंग करने के टाइम में क्या होगा आपको, फिर ल्यूटन नहीं दिखाएगा आपको गाड़ी का, तो समझ जाना चाहिए इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपको इंजन खोलने के बाद ल्यूटन नहीं बता रहा तब की बार बता रहा है, अब ये देखिए हो गया कि उसके बाद में ये क्योंकि कोई कोई वीडियो में कोई कोई बताया भी नहीं है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको कभी आपने ओपन किए, ओपन करने के बाद क्या होता है गिर जाता है, गिरने के बाद फिर आपको ल्यूटन लाइट बताएगा नहीं।